अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है चटपटी चना चाट। आज हम आप लोगों को चटपटी चना चाट बनाना बता रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ काले चने लिए हैं। ये मैंने एक पाव काले चने लिए हैं जिन्हें मैंने 5 घंटे भिगोकर और इसको मैंने उबाला है। और ये देखें इतने अच्छे उबले हुए चने होने चाहिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 2 टमाटर इन्हें भी चॉप करा है। 2 हरी मिर्चें इन्हें भी चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। 1 टेबलस्पून चीनी, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1/4 कप हमारे पास पिसा हुआ सफ़ेद ये मैंने ज़ीरा लिया है जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। और 50 ग्राम मेरे पास इमली है जिसे मैंने थोड़े से पानी में डिजॉल्व करके और इसका मैंने पल्प लिया है। 1/4 कप हमें सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे पैन में और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि जो इसमें एक स्मेल होती है, तेज़ी होती है, वो निकल जाए। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। इतनी देर में हम ये सारे मसाले अपने एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली का पल्प हम डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, पिसी हुई मिर्चें डालेंगे, मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक डालेंगे, नमक मैंने थोड़ा सा चनों में उबालते हुए भी डाला था, और 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी चाट बनेगी। और इसे तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे। अच्छी तरीके से हम इस मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, मसाले अच्छी तरीके से भून जाएं। बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनती है, आप लोग ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें अपने रमज़ान में, सहरी के वक्त, अफ्तारी में। आप लोग जिस टाइम खाना चाहें आप खा सकते हैं। बहुत ही लजीज़ ये चाट बनती है। और अच्छी तरीके से मसाला भून जाए फिर हम इसमें चने डालेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है, अब हम इसमें चने डालेंगे। अच्छी तरीके से हम मसालों में चने को करेंगे और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो गए हैं चने। अब इसके अंदर हम अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, चॉप प्याज डालेंगे, चॉप हरी मिर्चें डालेंगे, चॉप हरा धनिया डालेंगे और इन सब को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त सी मज़ेदार हमारी चटपटी चना चाट बनकर तैयार है। चूल्हे को हम ऑफ करेंगे और मज़ेदार सी हमारी ये चना चाट तैयार है, खट्टी मीठी सी, बहुत ही लजीज है। आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खट्टी मीठी चने की चाट हमारी तैयार है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।